हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्जी। ये सब्जी थोड़ी मसालेदार होती है लेकिन खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। चावल, रोटी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत बढ़िया लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने ये देखी कटहल को कट करके रखा हुआ है। काटना थोड़ा मुश्किल होता है, आप चाहे तो इसे सब्जी वाले से कटवा सकते हैं, वो लोग भी काट के इसे दे देते हैं। अब हम इसे उबालेंगे। उबालते समय हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डाल के हम इसे उबालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है हमें इसे। ये देखिए उबलना शुरू हो गया है, थोड़ा सा और उबालेंगे हम इसे। और ये देखिए जो है, ये कटहल जो है वो उबल चुका है। और आप देख पा रहे होंगे ये जो कटहल में ये जो पानी निकला है उसका भी जो कलर है काफ़ी चेंज हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस बर्तन में से कटहल को निकाल लेंगे। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये हमने सारा निकाल लिया है, अब हम इसके मसालों की तैयारी कर लेते हैं। जार में लहसुन डाला हमने, अदरक डाला, एक कटा हुआ प्याज डाला और दो हरी मिर्च डाली है। और यहाँ थोड़े से गर्म मसाले लिए हैं, जीरा, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और लौंग। और इन्हें हम थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे। और ये हमने पीस दिया है। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल लेंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आपके घर में जो तेल का इस्तेमाल किया जाता होगा आप वो लेंगे। इसमें हम कटहल को डाल के डीप फ्राई करेंगे। और ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया है, ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें से इसे निकाल लेंगे। काफी अच्छे से फ्राई हो गए हैं ये। अब इसमें से निकालने के बाद जो बचे हुए कटहल हैं उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे जैसे हमने पहले फ्राई किया था। तो सारे कटहल हमारे फ्राई हो गए हैं। अब ये जो बचा हुआ तेल है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें से थोड़ा सा तेल निकाल के हम इसे थोड़ा सा कम कर लेंगे। ये सब्जी में थोड़ा तेल मसाले ज़्यादा डाले जाते हैं तभी ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए जो तेल है हमने निकाल लिया है, जितना हमें चाहिए हमने उतना रखा है इसमें। अब हम इसके अंदर डालेंगे जीरा और एक डालेंगे हम इसके अंदर तेज पत्ता और इसे हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और अब हमने डाला इसके अंदर एक कटा हुआ प्याज, एक प्याज हमने पहले पीसा था, एक कटा हुआ प्याज हमने अभी डाला है। और अच्छे से भून लेंगे हम प्याज को, एकदम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे भून के। और ये देखिए जो हमारे प्याज हैं अच्छे से भुन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे जो हमने मसाले पीसे थे अभी और जो साथ में प्याज लहसुन अदरक पीसा था वो हम इसके अंदर डालेंगे। वो सारा पेस्ट हमने इसमें डाला और इसे भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे एक टमाटर की प्यूरी। टोमेटो प्यूरी मैंने यहाँ पे एक टमाटर की ली है, वो हमने इसके अंदर डाला। और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी ली मैंने यहाँ पे हल्दी, गरम मसाला और नमक। और अब हम डालेंगे एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जो तीखी नहीं होती है, कलर अच्छा आता है। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम अच्छे से भून लेंगे। मसालों को हमें काफ़ी अच्छे से भूनना है, इसमें बिल्कुल कच्चापन नहीं होना चाहिए। और ये देखिए किनारे से मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है, यानी ये मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर जो हमने कटहल को फ्राई किया था वो हम सारा इसके अंदर डालेंगे। और इसके अंदर डालने के बाद हम मसालों के साथ कटहल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए जो हमारी सब्जी है कितनी बढ़िया दिख रही है ये। लेकिन हम इसे थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे तो हम इसके अंदर आधा ग्लास के करीब पानी डालेंगे। ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया है, कितना बढ़िया दिख रहा है ये। अब हम इसके अंदर आधा ग्लास पानी डालेंगे, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और ये देखिए हमने पानी डाला और इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे और दो मिनट के लिए इसे हम ढक के पकाएंगे। कटहल को हमने पहले उबाला हुआ है फिर डीप फ्राई किया है, इसलिए सिर्फ हमें दो मिनट ही पकाना है। दो मिनट हो गए हैं और ये जो हमारी कटहल की सब्जी है वो अच्छे से पक गई है। और आप देख पा रहे होंगे कितनी बढ़िया दिख रही है ये। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और अब हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से सब्जी का टेस्ट भी बदल जाता है और देखने में भी बहुत बढ़िया लगता है। तो ये देखिए जो हमारी सब्जी है वो रेडी हो गई है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से हम तोड़ेंगे, ये देखिए इजीली टूट जा रहा है, यानी ये अच्छे से पक गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।